नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है किचन खुराना विद लव शव। तो चलिए आज कुछ चटपटा बनाते हैं। तो आज हम तैयार करेंगे झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी भेल पूरी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कटी हुई धनिया, हरी मिर्ची, उबले हुए आलू, मूँगफली, सेव, भुजिया सेव, कॉर्नफ्लेक्स, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और नींबू, और ये हमारे मुरमुरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मुरमुरे मैंने जो है ड्राई रोस्ट करके लिए थे, अभी इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। एक टमाटर ले लेना है और एक प्याज मैंने बारीक बारीक काट के ले लिया था, वो भी डाल देना है। ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं मैंने एक कटोरी, और आधी कटोरी सेव भुजिया डालेंगे इसमें हम। मूंगफली की गिरियाँ डालेंगे हम। एक उबला हुआ आलू बारीक बारीक काट कर ले लिया है। हरी मिर्ची मैंने दो ली हैं, और कटा हुआ हरा धनिया। ये सब चीज़ों को हमने मुरमुरे के बोल में डाल देना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार और चाट मसाला एक चम्मच। अभी हम इसमें चटनी डालेंगे। मैंने चटनी घर पे बना के तैयार करी हुई है, इमली और गुड़ से तैयार की है, ये मीठी चटनी बनाई है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको तीखा बनाना चाहते हो तो आप हरी चटनी भी बना सकते हैं, बट मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी इसमें डाल रखी है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो अभी ऊपर से एक नींबू का रस डाल दें मैं इसमें, तो इसको एक खट्टापन देगा और बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए कितना कलरफुल रेसिपी हमारी बन गई। अब हम कर देंगे इसको मिक्स। अच्छे से हिला देना है फोक की मदद से ताकि सारा मिक्स हो जाए। तो ये हमारा हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें हम इसको सजा देते हैं। ये काफ़ी खिली खिली बनी है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भुजिया सेव हम डालेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी तो बनके तैयार हो गई है। अब बच्चों को तो ये कागज़ के कोन में ही खाना अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैंने एक कागज़ का कोन बना रखा है और इसी में भी डाल के हम बच्चों को सर्व करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे और देखते रहिएगा किचन खुराना विद लव शव।